जिसने भी ये भोजन बनाया है उसको मेरा प्रणाम। गुंडप्पा। प्रणाम गुलुजी। गुंडप्पा, तुम्हें क्षुधा नहीं सता रही? गुलुजी, पहले आपका काम संपन्न कर दो, फिर मैं अपनी क्षुधा को भी शांत कर दूंगा। ठीक है। युद्धवीर पुत्र, यहां आओ। पुत्र युद्धवीर, गुंडप्पा पर दृष्टि बनाए रखना, वो बहुत ही चालाक है, और कुछ भी संदेह हो मुझे आके सूचित करना। जो आज्ञा गुरुवर। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम प्रणाम। वो सेवक जिसे आज कारावास में डाला गया है कहाँ है? यहाँ है गुरुवर। प्रणाम गुरुवर। सैनिक, तुम बाहर जाओ, हमें इससे आवश्यक बात करके कुछ जांच पड़ताल करनी है। जो आज्ञा गुरुवर। आदिनाथ, आदिनाथ। गुरुवर, गुरुवर मैं निर्दोष हूँ गुरुवर, गुरुवर मैंने जल में विष नहीं मिला, मेरे दो दो बच्चे हैं गुरुवर, गुरुवर मुझे बचा लीजिए। इसीलिए तो हम आए हैं आदिनाथ, हमारे समीप आओ। हम जानते हैं तुम निर्दोष हो, इसीलिए ये भस्म लाए हैं तुम्हारे लिए। प्राचीन शिव मंदिर की भस्म है, इसके आशीर्वाद से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और हमारे भी संकट मिटेंगे। अपने नेत्र बंद करो। जी गुरु। क्या है गुरुवर? आदिनाथ, तुम अपने चिता स्वयं तैयार करोगे, तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा और पंडित रामाकृष्णा को देशद्रोह के अपराध में देश निकाला। अब ध्यान से सुनो कि तुम्हें करना क्या है। वो तो अच्छा, तुम्हारे शारदा से अतिरिक्त भोजन ले लिया था, अब मैं निश्चित होकर अपनी क्षुधा शांत कर लूंगा। हाथ धो लेता हूं। गुंडप्पा, तुम्हें ज्ञात है ना तुम्हारे घर के भोजन में कितनी रुचि है? जी गुलू जी। लाओ मुझे दो।
स्वादिष्ट। सभी पात्रों में जल संचय कर दिया? जी गुरुजी। जी उचित है, अब तुम गुरुकुल की सफाई करो। आओ पुत्र युद्धवीर, चले। महाराज, आज की कार्रवाई आरंभ की जाए। अब जो जो आज्ञा महाराज। क्षमा करें महाराज, किंतु आपकी वाणी को क्या हो गया? आप ही के अनुग्रह से हुआ ही। आप ही भेजा था ना वो व्यक्ति उदास हमारे निवास पर, उसी के हाथ से जल पीकर आज प्रातःकाल से हमारी पानी, क्या नाम है उसका, आदिनाथ, आदि महामंत्री जी। जी महाराज। भस्म का प्रभाव केवल 2 घंटे तक ही रहता है, हमें तत्काल ही आदिनाथ को दरबार में बुला लेना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। महाराज, हमारे विचार से और विलंब किए बिना आदिनाथ को उसके दुस्साहस का दंड दीजिए। हमसे सहन नहीं हो रहा महाराज, हमारी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि हम स्वयं तलवार उठाकर उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दें। जी महाराज, हम समझ गए महाराज। आदिनाथ को महाराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। मामा, देख लीजिए, आपका भेजा हुआ ये सेवक राज दरबार की मर्यादाएं भूल चुका है, हमें बड़ा अमीर कर रहा है। आदिनाथ, आदिनाथ, आदिनाथ महाराज को प्रणाम करो। प्रणाम महाराज। आदिनाथ, इससे पूर्व कि हम तुम्हें दंड सुनाएं, नियमानुसार तुम्हें अपनी सफाई पेश करने का अवसर देते हैं। हाँ, बोलो बोलो आदिनाथ, क्या बोलना चाहते हो? महाराज, मैं अशुभ हूँ। मेरे अशुभ होने के कारण ही आपकी वाणी प्रभावित हुई। मेरे अशुभ होने के कारण मेरे स्वामियों को जो हानि पहुंची है, अगर मैं उसकी कथाएं सुनाने लगूं तो रात्रि हो जाए। शिव 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 शिव। आदिनाथ, ये बताओ कि क्या पंडित रामाकृष्णा को तुम्हारे अशुभ होने के संदर्भ में ज्ञात था? जी गुरुवर, मैं अशुभ हूं महाराज, परंतु मिथ्याभाषी नहीं। प्रथम दिवस ही पंडित रामकृष्ण को सब सत्य बता दिया था। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो आदिनाथ, इस संदर्भ में हमारी कोई बात नहीं हुई थी। और ये शुभ अशुभ क्या लगा रखा है महाराज? शुभ अशुभ हमारे मन की बनाई हुई मिथ्या शंकाएं हैं, अंधविश्वास हैं, यथार्थ से इनका कोई संबंध नहीं होता। कृपया इन बातों पर तनिक भी ध्यान ना दे। ये मिथ्या शंकाएं नहीं है पंडित रामकृष्ण, मिथ्या शंकाएं नहीं है, हम ये दरबार में सिद्ध कर देंगे। पहले आप ये बताइए कि क्या आदिनाथ ने आपको ये नहीं बताया था कि वो कलिंग के एक नगर सेठ के यहां कार्यरत था, जिन्होंने सन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया? बताया था, बताया था गुरुवर, बताया था महाराज।
जिस दुकान पर आप आदिनाथ को मिले थे, क्या उस दुकान का स्वामी अपनी दुकान को बंद करने वाला नहीं था? बंद करने वाला था, परंतु मैं... बंद करने वाला था। सुन लीजिए महाराज, आप स्वयं सुन लीजिए। पंडित रामाकृष्णा स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें सब ज्ञात था, फिर भी पंडित रामाकृष्णा को इस अशुभ आदिनाथ को रनिवास में चयनित करते हुए कोई आपत्ति नहीं हुई। देखिए गुरुवर, मैं केवल हम अभी बात कर रहे हैं। महाराज, कभी कभी कुछ व्यक्ति विचित्र ग्रह नक्षत्र में जन्म लेते हैं, जिससे उनकी छाया किसी पर पड़ना भी अशुभ होता है। हमने आदिनाथ की कुंडली का अध्ययन किया और पाया कि इसकी कुंडली में भी वही कुछ ग्रह स्थिति बन रही है। महाराज, ये आदिनाथ एक चलता फिरता अशुभ शुभ पुतला है। और हमें दुख इस बात का है महाराज कि पंडित रामाकृष्णा ने इस अशुभ आदिनाथ को आपके समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। महाराज, गुरुवर सत्य कह रहे हैं। ये तो ईश्वर का धन्यवाद है कि केवल महाराज की वाणी पर असर हुआ है, अन्यथा पता नहीं क्या हो जाता। शत्रु आक्रमण कर सकता था, सेना का विद्रोह हो सकता था, राज परिवार में किसी की मृत्यु। शिव 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 शिव। गुरुवर, यदि ग्रह नक्षत्र के कारण कोई व्यक्ति इतना अशुभ होता कि उसकी छाया मात्र से किसी को हानि पहुंचती या उसका अहित हो सकता था, तो राज्यों में इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं तैयार नहीं की जाती। गुप्त योद्धा जो हत्या करने में प्रवीण होते हैं, उन्हें भी तैयार नहीं किया जाता। विषकन्याएं जिन्हें बचपन से ही प्रशिक्षण दी जाती है, उन्हें भी प्रशिक्षित नहीं किया जाता। यदि किसी को कोई हानि पहुंचानी होती तो ऐसे अशुभ व्यक्ति को उनके समीप छोड़कर आ जाता और अपना कार्य भी सिद्ध कर लेता। जैसा आपने अपना कार्य सिद्ध कर लिया पंडित रामाकृष्णा। गुरुवर, आप कहना क्या चाहते? मैं महाराज का अहित चाहता हूँ। देखिए पंडित रामाकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको आदिनाथ की अशुभता के विषय में ज्ञात नहीं था, अन्यथा आप इन्हें हमारे निवास पर नियुक्त नहीं करते। परंतु महाराज, शांत हो जाइए गुरुवर। हमें अभी आदिनाथ का दंड निर्धारित करना है। महाराज, महाराज, हमारी राय में आदिनाथ को देश निकाला दे देना चाहिए। हमें आपसे ऐसी आशा नहीं थी तिमाराशु जी। सब कुछ ज्ञात होते हुए भी हम कैसे किसी दूसरे देश के निर्दोष व्यक्तियों के जीवन को संकट में डाल सकते हैं? ये व्यक्ति आदिनाथ, ये अशुभ व्यक्ति, ये जहां भी जाएगा अशुभ अशुभ करता जाएगा, अशुभता फैलाएगा। तो फिर गुरुवर, हमें क्या करना चाहिए? मृत्युदंड। हमें आदिनाथ को मृत्युदंड देकर इस संकट का सदा के लिए निवारण कर देना चाहिए। आदिनाथ को मृत्युदंड देना ही उचित होगा। अतः हम विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय आदिनाथ को मृत्युदंड देते हैं। पश्चात आदिनाथ को फांसी पर लटका दिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। सिपाहियों, ले जाओ इसे। वचन दीजिए रामाकृष्ण, अन्यथा हमें विवश होकर अपने बच्चों के सही साथ हत्या करनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। मैं वचन देता हूँ कि मैं यदि आपके आपके पति को कारावास से मुक्त नहीं करा पाया तो मैं अष्टदिग्गज का पद त्याग दूंगा। अष्टदिग्गज का पद त्याग दूंगा। Thank you.
गुरुजी बाजी तो पलट गई, अब आपको अप्पाराव को उसकी देवी स्वर्ण मुद्राएं वापस नहीं लौटानी पड़ेगी। अब उसकी कमाई का आधा हिस्सा आपके हिस्से में होगा गुरुजी, आपकी पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होगा। चलो बोली उठा के कौन आ रहा है, ये व्यक्ति कौन है? आदाब हुजूर। प्रणाम, आप कौन? हुजूर मेरा नाम सिराज है। महाराज मैं एक व्यापारी हूँ, परंतु आज विजयनगर में मैं व्यापार करने के इरादे से नहीं आया, बल्कि मैं आपके लिए चुनौती लेकर आया हूँ। इतना दुस्साहस, तू भरे दरबार में हमारे समक्ष हमारे महाराज को चुनौती देता है? माफ कीजिएगा गुरुवर, परंतु हमने विजयनगर के दरबार के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने सुना है कि चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो, महाराज कृष्णदेव राय उसे पल भर में मुकम्मल कर लेते हैं, और मेरी चुनौती खाली नहीं है गुरुवर। और अगर महाराज ने इस चुनौती को मुकम्मल किया तो इसके बदले में मैं महाराज के चरणों में 100,000 सोने की अशर्फियां रख दूं। सोने की अशर्फियां? तुम्हारी चुनौती क्या है सिराज, प्रथम उस विषय में बताओ। बहुत ही आसान है महाराज, केवल आपको इस कोयले की बोरी को बेचना है। कोयले की बोरी को बेचना है। ये कैसी चुनौती है? कोयले का उपयोग तो लोग ईंधन के रूप में करते ही हैं, इसकी बिक्री करना तो अत्यंत आसान होगा। आप सही बोल रहे हैं महाराज, इसलिए मेरी चुनौती ये है कि आपको इस कोयले की बोरी को विजयनगर के सेठ बालचंद्रू को 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेचना होगा। 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेचना होगा? क्या मूर्ख मत बनाओ, पकौड़े तोलते हुए 2 कांस के मुद्राओं का मूल्य का तेल तुम्हारे हाथ में लग गया, फिर मैं 10 मुद्राएं क्यों दूं? मैं धोबी हूँ, ये बालचंद्रु प्राय मुझे मूर्ख बनाता है, आमजन मुझे वस्त्र धोने को गिन के देती है, मगर ये बालचंद्रु सेठ मुझे तौल के वस्त्र देता है, और जब वापस आता है लेने तो कहता है कि भार कम है और मेरा धन काट लेता है। महाराज चुनौती मुकम्मल करने के बदले मैं आपको क्या दूंगा, ये तो मैंने आपको बता दिया, और अगर आप इस चुनौती को मुकम्मल नहीं कर पाए तो आपको इसके बदले मुझे 100,000 अशर्फियों के मूल्य के सोने के सिक्के देने होंगे। क्या आपको यह चुनौती मंजूर है महाराज? हम आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं पंडित रामकृष्ण की ओर से।